हॉबी करियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकार विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंद। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवात थिकोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन, फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुस्लिम फिल्मों की फिलहाल मवाद के तहत दस्तियाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सनातार संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशी का एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिकल्स मधु मकंदन पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश रवाथिकोंडे बतौर लीना रोमी बतौर जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल बतौर मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ईद 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी के टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी के टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी के टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानवतार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उससे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवर अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादियों के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिकल्स मधुबन मकंदन, पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024, मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम, फ्लॉर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कॉस दिलीप बतौर पावी थ्रान, पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौर मान थन, राधिका शरद कुमार बसीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवा थिकोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार 21 तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024, दिलीप स्टार पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जानी, एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हिदायतकार विजय राघवन, फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुजल हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिका है, एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौरे पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जैनी एंटोनी बतौरे मानथन, राधिका, शरद कुमार बसीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश, रवाथी कोंडे बतौरे लीना, रोमी बतौरे जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौरे मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 उन्हें रवाब दास 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा शाम इनको मोह लेने में नाकाम रही है। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई हालिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ, म्यूजिक अर्ज मधुम मकंदन। पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लॉर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश चौधरी बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मान थन, राधिका, शरद कुमार बसीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवात थिकोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024। बैरून ने रवाबत आखिर तुम्हें दस रहा 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जमीन जानी एंटोनी भारती की फिल्म। डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बहुत हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादी के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। वावी कैरियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ, म्यूजिकल्स मधुबन मकंदन, पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024, मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम, फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कॉस दिलीप बतौर पावी थ्रान, पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौर मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवाथी कोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार 21 तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024, दिलीप स्टार पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024, 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन, फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है, जिसके हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुजल हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिकल्स मधुम मकंदन पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश थिकोंडे बतौर लीना रोमी बतौर जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल बतौर मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानवतार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवर अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुजल हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वो अभी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाक ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ, म्यूजिक अर्ज मधुम मकंद पहलवान। कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लॉर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश चौधरी बतौर पावी थ्रान, पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका, शरद कुमार बसीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, थिकोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 में गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 बैरून ने रवाबत आखिर तुम्हें 10 मिनट कबल की जी की मुतल मजमिन जानी एंटोनी भारती की फिल्म। डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुस्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेबोल है बॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। बॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादी के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीप जोसेफ म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंद पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश रवाथिकोंडे बतौर लीना रोमी बतौर जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार बतौर मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 फिल्म गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुस्लिम फिल्मों की फ्रहश मवाद के तहत दस्तियाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सनातार संभालते हैं जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है वे बोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशी का एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वह भी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिकल्स मधुबन मकंदन पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौरे पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौरे मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश रवाथी कोंडे बतौरे लीना रोमी बतौरे जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल्लिक बतौरे मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी 12 मार्च 2024 स्लीप स्टार पावी के लिए टिकट इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम में दकार दिलीप की पावी के लिए टिकट इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी के टिकट टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानवतार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मकर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहूने मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादियों के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरीन को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश रेदरी बतौर पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौर मान थन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम। धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश। रवा थिकोंडे बतौर लीना। रोमी बतौर जीना। श्रिया रुक्मणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर केयर टेकर दिलीप स्टार 21 तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। बॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिका है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौरे पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौरे मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश रवाथी कोंडे बतौरे लीना रोमी बतौरे जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार बतौरे मालनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 फिल्म गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही है। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक अर्ज मधुम मकंदन। पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लॉर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश चौधरी बतौर पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश। रवात थिकोंडे बतौर लीना। रोमी बतौर जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। में 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जानी एंटोनी भारती की फिल्म। डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम। अदाकार हिदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुस्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादी के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कॉस दिलीप बतौर पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौर मानथन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश रवाथी। कोंडे बतौर लीना। रोमी बतौर जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हिदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक कि फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे। बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिया है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिकल्स मधु मकंदन पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जैनी एंटोनी बतौर मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश रवाथिकोंडे बतौर लीना रोमी बतौर जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल बतौर मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 फिल्म गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ईद 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानवतार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ। म्यूजिक मधुम मकंदन पहलवान। कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट एदरी बतौरे पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौरे मान्थन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम। धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश। रवात थिकोंडे बतौरे लीना। रोमी बतौरे जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौरे मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024। बैरून ने रवाबत आखिर तुम्हें दस रहा 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जमीन जानी एंटोनी भारती की फिल्म। डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुस्लिम फिल्मों की फहरस्त मवाद के तहत दस्तियाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तस्वीर का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोला मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादी के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका, शरद कुमार बशीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवाथी कोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार 21 तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है वे बोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही है। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई हालिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश्क है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिक मधु मकंदन पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौरे पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौरे मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश रवाथी कोंडे बतौरे लीना रोमी बतौरे जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल्लिक बतौरे मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती की फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानातार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवर अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहूने मिन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरीन को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश रद्री बतौरे पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौरे मानथन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम। धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश। रवा थिकोंडे बतौरे लीना। रोमी बतौरे जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौरे मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हिदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुजल हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिका है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीप जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवाथी कोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 के दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही है। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाक्य नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश का एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुम मकंदन। पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। प्लॉट एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कौश चौधरी बतौर पावी, त्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवात थिकोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024। दस मिनट कबल की जी की मुतल मजमिन जानी एंटोनी भारती की फिल्म। डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम। अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुस्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद। डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक अर्ज मधुम मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कॉस रेदरी बतौरे पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जैन एंटोनी बतौरे मानथन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम। धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश। रवाथी कोंडे बतौरे लीना। रोमी बतौरे जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौरे मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जमीन जानी एंटोनी भारतीय फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हिदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक कि उस फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहोल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिया है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी एंटोनी राधिका शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की तदमीन दीपू जोसफ म्यूजिकल्स मधु मकंदन पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024 मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन राधिका शरद कुमार बसीर मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश रवाथिकोंडे बतौर लीना रोमी बतौर जीना श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति जय कुमार मल बतौर मालिनी पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 खसूसियात सी ईद 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी के टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 मलयालम अदाकार दिलीप की पावी के टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी के टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फ्रहश मवाद के तहत दस्तियाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानवतार संभालते हैं जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमरे के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उससे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवर अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक मधु मकंदन पहलवान। कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट एदरी बतौर पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन। राधिका शरद कुमार बसीर मरियम। धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश। रवात थिकोंडे बतौर लीना। रोमी बतौर जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौर मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 में गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार। इस तारीख को रिलीज होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुस्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहोल है बेबोला मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जानवे अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है। हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियादी के बारे में बसीरत पेश की जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवा ग्रह हो रहा है जो नाजरिक नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका, शरद कुमार बसीर, मरियम धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवाथी कोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल्लिक बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म ग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है वे बोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई हालिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश का एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था और इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी करियर टेकर की केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप, सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसफ, म्यूजिक अर्ज मधु मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौरे पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जैनी एंटोनी बतौरे मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौरे रितेश, रवाद थिकोंडे बतौरे लीना, रोमी बतौरे जीना, श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौरे मालनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाय पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी के टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी कैरियर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजार शुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानातार संभालते हैं, जबकि दीपू जोसफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मदन मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोल है मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़ें बांटें हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी हालिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया, ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने की जानवर अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मकर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक नौनीत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशक है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा ग्रह हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बात और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश राघव ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे खुद टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें विनीत जानी, एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राजेश राघवन, दिलीप। सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीपू जोसेफ। म्यूजिक मधुबन मकंदन पहलवान कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तानी जबान मलयालम। फ्लोर एड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कॉस दिलीप बतौर पावी थ्रान। पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। विनीत कुमार जैन, एंटोनी बतौर मानथन। राधिका, शरद कुमार, बसीर, मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश। रवा थिकोंडे बतौर लीना। रोमी बतौर जीना। श्रिया रुक्मिणी जांगी के तौर पर ज्योति। जय कुमार मल बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 की दिन घरों में रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर केयर टेकर दिलीप स्टार 21 तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024। दिलीप स्टार पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। सिनेमा एक्सप्रेस बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर 21 तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। में 10 मिनट कबल की जी की मित्र का मैं जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार बतौर हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन। फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौर मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक कि उस फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बरए मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद बड़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने उनसे खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाकया नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म को बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बेआवाज हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की निकासी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीद का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर मेरे सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूक कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रशिका है। एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को स्क्रीन प्ले जलवागर हो रहा है, जो नाजरिक नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।
वावी कैरियर टेकर एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की मजाही ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है और इसे राजेश ठाकुर ने लिखा और इसे दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसे फुल टाइटल रोल में अदाकारी की थी। इसमें उन्हें जानी एंटोनी, राधिका, शरद कुमार और धर्माजन बोलगाटी भी हैं। पावी केयर टेकर की हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है। तहरीर राकेश राघवन, दिलीप सिनेमाटोग्राफी सानू ताहिर की, तदमीन दीप जोसेफ, म्यूजिक अर्ज मधुबन मकंदन। पैदावार कंपनी ग्रैंड प्रोडक्शन के जरिए राइट रिलीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 26 अप्रैल 2024। मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम। फ्लोर रेड पावी कराला के एक रिहायशी अपार्टमेंट में निगरान है। कास्ट है दिलीप बतौर पावी, थ्रान पावी एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, विनीत कुमार जानी एंटोनी बतौर मानथन, राधिका शरद कुमार बसीर मरियम, धर्मजन मजन बोल गटी बतौर रितेश, रवाथी कोंडे बतौर लीना, रोमी बतौर जीना, श्रिया रुक्मिणी जानकी के तौर पर ज्योति, जय कुमार मल बतौर मालिनी। पावी केयर टेकर को 26 अप्रैल 2024 को गर्म रिलीज किया गया था। वाला जाए पावी केयर टेकर दिलीप स्टार इस तारीख को रिलीज होने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। खसूसियात सी ई 12 मार्च 2024 दिलीप स्टार पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। सिनेमैक्स पर बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024। मलयालम अदाकार दिलीप की पावी केयर टेकर इस तारीख को रिलीज होगी। न्यूज 18 बाजारशुदा 8 अप्रैल 2024 पावी केयर टेकर टेजर दिलीप स्टारिंग हल्के फुल्के तफरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाबशुदा 8 अप्रैल 2024 10 मिनट कबल की जी की मुतल मैं जमीन जानी एंटोनी भारती के फिल्म डायरेक्टर और अदाकार विनीत कुमार हिंदुस्तानी मलयालम अदाकार हदायतकार विजय राघवन फिल्मोग्राफी विजय राघवन बतौरे मुश्तमिल फिल्मों की फहरिस्त मवाद के तहत दस्तयाब है। जब तक किसी फिल्म में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद डेस्कटॉप। पावी केयर टेकर एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विनीत कुमार ने की है, जिसमें दिलीप ने मरकजी किरदार अदा किया है। पावी केयर टेकर का स्क्रिप्ट राजेश राघवन ने लिखा था और उसे दिलीप ग्रैंड प्रोडक्शन ने तैयार किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सानू ताहिर संभालते हैं, जबकि दीपू जोसेफ एडिटिंग को संभालती है। म्यूजिक स्कोर मधुर मुकंदन ने किया। तारीख रिहाई पावी केयर टेकर ने 26 अप्रैल 2024 को डेब्यू किया। नोट है पावी केयर टेकर हेलो क्या फिल्म की कहानी का इश्तराक करना चाहेंगे या हमारे कास्ट और अमले के बारे में अपडेट फिल्म प्रोग्राम करना चाहेंगे, बर मेहरबानी अपने तामन को पर भेजें। पावी केयर टेकर अदाकार दिलीप ने रिलीज से पहले अपनी फिल्मों को निशाना बनाने पर तश्वीश का इजहार किया। फिलहाल बेहाल है बेबोले मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए अपनी कोशिश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। रिलीज के साथ मजीद पढ़े बांटे हमें फॉलो करें। मॉलीवुड अदाकार दिलीप को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कोशिश में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनकी आलिया फिल्मों की अक्सरियत जैसे थनकमानी और बंद्रा सामिन को मोह लेने में नाकाम रही है। अपने आने वाली रिलीज पावी केयर टेकर के लिए एक प्रेस यूनिट के दौरान मीडिया ने खिताब करते हुए दिलीप ने खुलकर अपनी खुशियात का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई आलिया वाक्य नहीं है कि कोई फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरस से होता आ रहा है। मेरी फिल्मों में रिलीज होने से पहले इनका तनकीद का निशाना बनाया गया। ये तर्ज कई सालों से बरकरार है। अगरचे हमला आवरों के जानब से इस्तेमाल करने जाने अरबों के साथ मुसलसल निशाना बनाने पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दिलीप ने मुजरमों को शिनाख्त करने से नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिनेमा की दुनिया में मगर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर होने वाली फिल्म बुराई सरगर्मियों को नजरअंदाज किया। मैं खुद ऐसी हाल में पता हूँ जहाँ मैं जिम्मेदारों का नाम भी नहीं ले सकता। मैं फिलहाल मैं बे आवाज़ हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी की गैर मुतवक्के नौनियत की नक्काशी करते हुए दिलीप ने सामिन की मुस्तकिल हमायत पर जोर देते हुए कहा कि जहां और नजीर का हमारे पेशे में शामिल हैं। फिल्म की कामयाबी की उम्मीद के साथ शुरू की जाती है, हर एक की अपनी होती है। मेरा यहां खड़ा होना बुनियादी तौर पर अपने सामिन और गैर मुतवक्के हमायत का मरहून मन्नत है। पावी केयर टेकर की तरफ अपनी तरफ मबजूल कराते हुए दिलीप ने फिल्म की बुनियाद के बारे में बसीरत पेश की, जिसमें टाइटल का किरदार किसी और ऐसे बयान किया है जो आलमी तौर पर काबिल रश का एक निगरान जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के अंदर हम अहम का काम अंजाम देता है। दरियस ने अपने दिलीप और विनीत कुमार का मजाही ड्रामा पावी केयर 26 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जलवा गिरा हो रहा है, जो नाजरीन को नगरों को तजुर्बा और इसके रोमानवी सफर की झलक देखने का वादा करता है।